हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है केंद्र राज्य संबंध। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 20 तक जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन है 21 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका PDF अवेलेबल है। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं 21। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है किसके द्वारा? तो संसदीय कानून के द्वारा। 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम में 5 क्षेत्रीय परिषदों, उत्तर दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया। उत्तर दक्षिण, केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी का गठन 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। 22 है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के गृह मंत्री, यानी बी ऑप्शन। 23 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है जो लक्षण नहीं है, वो ऑप्शन ए है। क्षेत्रीय परिषद एक सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच अंतर राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अतिरिक्त दिल्ली, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा और सिफारिशें करना है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। 24, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दो कथन है, कौन कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं, बिल्कुल सही। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के बीच सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, यानी सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है। ये एक बेहतर मंच प्रदान करती है जहां पर केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच पारस्परिक अमान्यताओं को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचार विमर्श तथा परामर्शों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ये आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़े राज्यों के लिए सहयोगात्मक प्रयास के क्षेत्रीय मंच हैं। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय पहलुओं को शामिल कर विशिष्ट मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सक्षम है। इस प्रकार ये क्षेत्रीय परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। 25 नंबर है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1995 को, यानी सी ऑप्शन। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक है सही सुमेलित नहीं है? तो नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 जो कि सही सुमेलित नहीं है। नदी बोर्ड एक्ट 1970 में नहीं बल्कि 1956 में लागू हुआ था। 27,
सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य, सी ऑप्शन। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने के लिए सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर ए सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। बी शिवरामन तथा एस आर सेन इसके अन्य दो सदस्य थे। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग के द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थी। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर एस आर सेन। डॉक्टर एस आर सेन। 27, 29, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो सही जवाब है ई ऑप्शन। देखिए, इसके बारे में अगर बात करें तो जो बिहार मतलब कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका उत्तर विकल्प डी दिया गया था, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं, इससे पहले वाले जो प्रश्न को हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें इसकी व्याख्या दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। 30 नंबर है, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का जो संबंध है किससे है? सरकारिया आयोग की सिफारिशों का जो संबंध है बताइए। तो देखिए, अगर बात करें तो सरकारिया आयोग की सिफारिशों का जो संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से जो संबंध है किसे? केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को जो है इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था कि किस तरह से संबंध को जो है अच्छा किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। इन केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध में से जो है कैसे मतलब कि इन संबंधों में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। 31 है, कथन और कारण दिया गया है। देखिए, कथन ए कह रहा है कि सरकारिया कमीशन की जो सिफारिश था, इसके अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। कारण, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो इसमें जो सही है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है, यानी सी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था। सरकारिया आयोग ने अपनी सिफारिश में अनुच्छेद 356 को कम से कम प्रयोग में लाने पर बल दिया। कई बार अनुच्छेद 356 का केंद्र में सत्तारूढ़ दलों के द्वारा दुरुपयोग हुआ तथा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा अन्य प्रावधानों पर विचार किए बिना जल्दबाजी में कर दी जाती है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। 32, किस आयोग ने अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? किस आयोग ने अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? सही जवाब है सरकारिया आयोग, बी ऑप्शन। इसके बाद इसके बारे में अगर बात करें तो सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्थाई अंतर्राज्यीय परिषद इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल के नाम से जो है स्थापना की अनुशंसा की थी। इसी के अनुसरण में मई 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। 33 है, निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर्राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद की स्थापना करने की अनुशंसा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरकारी आयोग, याद रखिएगा डी ऑप्शन।
34 है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? तो सही जवाब है सरकारी आयोग, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 35, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो इंद्रजीत गुप्ता समिति, सी ऑप्शन। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में चुनाव सुधार एवं जनप्रतिनिधि कानून 1951 में संशोधन के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य था चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से धन उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का विशेष अध्ययन करना और उस पर अपना निष्कर्ष देना। तीनों संघ राज्य संबंध से संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट 36, कथन ए, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं, कारण राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। दिए गए दोनों वक्तव्यों के दृष्टिगत निम्न में से कौन सा सही है? तो बताइए, कथन ए कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही है, कारण राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इन दोनों में से जो सही है वो ए और आर, दोनों अपनी जगह सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संघ में केंद्र की स्थिति और भूमिका शक्तिशाली है तथा इस संबंध में राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व है। वित्तीय विषयों पर बंटवारा दोनों के मध्य किया गया है, किंतु वित्तीय स्रोतों का आवंटन केंद्र के पक्ष में अधिक है। राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, यही कारण है कि केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती जा रही है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 37 है, अभी कथन ए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों और राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है, कारण अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते या करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। इन दोनों में से सही जो है वो बताइए। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होता है, कारण अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। इसमें जो सही है, देखिए दोनों ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो कुछ पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 256 स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसे संसद के द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसे विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। स्पष्ट है कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है। 38, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 257, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। 39 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, सही जवाब हो जाएगा भाग 12, सी ऑप्शन। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विवरण संविधान के भाग 12 में प्रस्तुत किया गया है।
भारतीय संविधान के प्रश्नगत भाग इस प्रकार हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध से संबंधित है। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है। भाग 13 भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम पर संबंधित मतलब कि विषय दिए गए हैं। 40 नंबर है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के बीच आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है तो बताइए किसके अंतर्गत, तो अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत बी ऑप्शन। केंद्र सरकार तथा राज्यों के बीच आर्थिक या वित्तीय संबंधों की विवेचना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत की गई है। इनमें वित्तीय आगम स्रोतों का विवरण वितरण सामान्यपूर्ण बनाने के लिए एक जटिल तंत्र की रचना की गई है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यह विभाजन स्थानीय न हो तथा निश्चित अंतरालों पर उसका पुनर्विलोकन हो और समायोजन किया जाए। 41 है भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र के द्वारा लगाए गए तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र के द्वारा लगाया और एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 270 के तहत सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में दिए गए सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 269 क में निर्दिष्ट कर और शुल्कों को छोड़कर अनुच्छेद 268 और अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269 ठीक है क इनमें जो कर और शुल्क दिए गए इनको छोड़कर भारत सरकार के द्वारा लगाए गए और एकत्रित किए जाएंगे इनमें संघ और राज्यों के बीच इन करों को जो है मतलब कि वितरित किया जाएगा। 42 निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ के द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है। निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ के द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है किंतु संघ और राज्यों में बांटा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया सही ऑप्शन नहीं है। प्रश्न काल में पूर्ववर्ती अनुच्छेद 271 के तहत कृषि आय से भिन्न आय पर कर भारत सरकार के द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाते थे, संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाते थे। वर्तमान स्थिति में अगर बात करें तो अनुच्छेद याद रखिएगा अनुच्छेद 270 के तहत प्रावधानित है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 268 अनुच्छेद 269 और अनुच्छेद 269 क में दिए गए कर और शुल्कों को छोड़कर भारत सरकार के द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए जाएंगे, इन्हें संघ और राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 268 के तहत संघ के द्वारा उद्ग्रहित और राज्यों के भीतर राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क संघ सूची में वर्णित अष्टांग शुल्क और अनुच्छेद 269 के तहत संघ के द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किए किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर तथा अनुच्छेद 269 क के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर भारत सरकार के द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर उपबंधित संसदीय विधि के द्वारा संघ और राज्यों के बीच प्रभाजित संबंधी प्रावधान है। 43 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन है, कौन कौन से कथन सही है आपको बताना है। राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया यानी भारत में जो वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क होता है राज्य सरकार के द्वारा लगाया वसूल किया जाता है तो नहीं, इसका विनियोजन संघ सरकार के द्वारा किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है, दोनों में से कोई नहीं। अनुच्छेद 268 के अनुसार ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित है यानी संघ सूची के प्रविष्ट 91 में वर्णित वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क उन्हें संघ के द्वारा लगाया या उद्ग्रहित किया जाता है किंतु राज्यों के भीतर उन्हें संबंधित राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। 44 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर किसके द्वारा लगाए जाते हैं। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर जो कर लगता है बताइए, तो याद रखिएगा संघ के द्वारा लगाए जाते हैं, संघ सरकार यानी ऑप्शन ए। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है।
इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं, राज सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, शेयर बाजार और फ्यूचर बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ के द्वारा लगाया यानी उद्ग्रहित किया जाता है और इसे संघ के द्वारा ही एकत्रित यानी संग्रहित किया जाता है। भारत में प्रतिभूति हस्तांतरण कर 2004 में लागू किया गया था। 45 है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों के द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों के द्वारा लगाया और वसूला जाता है? तो याद रखिएगा, वह है भू राजस्व, यानी बी ऑप्शन। दिए गए करों में भू राजस्व संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो की प्रविश 45, भू राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू अभिलेखन रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और प्राधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्य संक्रामण है। इसके तहत राज्यों के अधिकार क्षेत्र की विषय वस्तु है, इसे पूरी तरह से राज्यों के द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है। 46 है, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो याद रखिएगा, जिस अनुच्छेद में किया गया है वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 282, सी ऑप्शन। केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 282 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ या राज्य किसी लोक परियोजन के लिए कोई अनुदान इस बात के होते हुए भी दे सकेगा कि वह परियोजन ऐसा नहीं है जिसके संबंध में यथास्थिति संसद या उस राज्य का विधानमंडल विधि बना सकता है। अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में ऐसे राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान वित्त आयोग के सिफारिश पर संसद के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें सांविधिक अनुदान कहा जाता है, स्टेटरी ग्रांट्स कहा जाता है। इसके बाद 47 नंबर है, पूछा गया है कि क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? तो नहीं। संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि के द्वारा नियत करे, भारत के राज क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और ऐसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने तक ही है। स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते, राज्यों के द्वारा विदेशी ऋण संघ ही प्राप्त मतलब कि सरकार के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 48 है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? कृषि आयकर जो है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? तो भारत का संविधान यानी डी ऑप्शन। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में प्रविष्ट संख्या 46 यानी जो विषय 46 के तहत कृषि आय पर कर का उल्लेख है, यह विषय राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। अनुच्छेद 274 में कृषि आय कर या ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध है, इसके लिए प्रावधान नियत किए गए हैं। 49 है, केंद्र और राज्यों के बीच फाइनेंशियल या वित्तीय विवादों को निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी कौन सी है? केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी है, कौन सी मुख्य एजेंसी है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपयुक्त मामलों का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच वित्त के बीच के जो वित्त होता है, फाइनेंस होता है, इसके बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश करता है वित्त के। 50 नंबर है, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान के द्वारा सीमित कर दी गई है? निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान के द्वारा सीमित कर दी गई है?
तो याद रखिएगा, व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर, डी ऑप्शन। अनुच्छेद 276(2) के तहत राज्यों को या उस राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों और आजीविकाओं और नियोजनों पर कर के रूप में संदेह कुल रकम 2500 रुपया, 60वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 250 रुपये के स्थान पर जो है प्रतिवर्ष जो है देने के लिए सीमित कर दी गई है। 51 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 301। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा। 52 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियां का उल्लेख है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से मुकदमा ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या केस ला सकेगी, उस पर वाद लगाया जा सकेगा। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपात उपबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट किया है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।